गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं आपसे स्वतंत्रता के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ। हम सब लोग जानते हैं कि मानव जीवन के विकास के लिए, ह्यूमन पर्सनैलिटी के फुलेस्ट डेवलपमेंट के लिए स्वतंत्रता एक नितांत आवश्यक तत्व है। पर्सनैलिटी के साथ साथ जब हम स्टेट्स के कंसेप्ट में बात करते हैं, तो आज मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम में किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए लिबर्टी और इक्वलिटी, ये दो पिलर्स हैं। हम सब लोग जानते हैं कि आज डेमोक्रेसी को एक यूनिवर्सल पॉलिटिकल वैल्यू के रूप में अपनाया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि अगर कोई स्टेट डेमोक्रेटिक नहीं है, उसको सर्वमान्य मान्यता या एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है, उसका क्रिटिसिज्म होता है। अभी हमने देखा कि किस प्रकार से अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आई, जिसका सब तरफ से विरोध किया गया, क्योंकि वहां पर स्वतंत्रता और समानता दोनों चीजों का नितांत अभाव था। इसलिए जितने भी हमारे पुराने थिंकर्स हैं, अगर हम जब से पॉलिटिकल फिलॉसफी का विकास हुआ और राज्य के ऊपर चिंतन प्रारंभ हुआ, स्वतंत्रता और समानता ये दो ऐसे विशेष तत्व हैं जिसके ऊपर विशेष रूप से हमारे फिलॉसफर्स का ध्यान गया, और उन्होंने इसके विभिन्न आयामों का, विभिन्न तरीकों का, कि कैसे हाउ लिबर्टी एंड इक्वलिटी आर टू एसेंशियल एस्पेक्ट्स इन ए मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम, इसके ऊपर उन्होंने अपने विचार रखे। और केवल मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम में ही नहीं, बल्कि एंशियंट टाइम में भी हम देखते हैं कि स्वतंत्रता को बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता के बारे में कौन कौन से सिद्धांत प्रचलन में हैं, और कौन कौन से विभिन्न आयाम, what are the different dimensions of liberty, and I am going to present this lecture through some slides. So I am going to share few slides with you which you can see here. So let us start first that what is the concept of liberty. Liberty, jaisa maine abhi aapko bataya ki manav jeevan ke vikas ke liye ek bahut hi mahatvapurna और अभिन्न अंग है। ये एक व्यक्ति की प्राकृतिक डिमांड भी है, उसकी मांग है, और हम जानते हैं कि मांग ही अधिकार में परिवर्तित होती है। इनफैक्ट अगर हम आज के समय में देखें तो लिबर्टी तभी संभव है जब एक प्रजातांत्रिक समाज में लिबर्टी के साथ साथ इक्वलिटी होगी, और उस लिबर्टी और इक्वलिटी को राइट्स के रूप में स्वीकार किया गया। यानी कि कहने का मतलब यह है कि स्वतंत्रता, समानता और अधिकार, ये तीनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। कोई भी राइट जो हमें संविधान देता है, या कोई भी राइट जो हमको कानून के माध्यम से प्राप्त होता है, वो राइट तभी संभव है जब उस राइट को एंजॉय करने के लिए, उस अधिकार के उपभोग करने के लिए हमको उचित अवसर प्रदान होंगे, या उस हमको एक स्वतंत्र वातावरण, एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्र वातावरण प्रदान होगा जिसके अंदर हम किसी भी राइट्स को एंजॉय कर सकते हैं। तो लिबर्टी इज द बेसिस ऑफ एनी सिविल सोसाइटी और सिविल स्टेट। लिबर्टी का तात्पर्य भी यही है कि जितने लोग उस समाज में रह रहे हैं उनको कम से कम समान अवसर प्रदान हो, जिससे कि वो राज्य द्वारा दिए गए अधिकारों और जो भी राज्य अन्य रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, जो लोगों को बांट रहा है या जो लोगों को सुविधाएं प्रदान कर रही हैं, उन सब सुविधाओं को वो एंजॉय कर सके। यही बेसिक एक लिबर्टी का कंसेप्ट है। जैसा हम जानते हैं कि लिबर्टी को एक लेटिन वर्ड से लिया गया था, जिसको हम लिबर कहते हैं, लिबर, जिसका तात्पर्य यही है कि एक किस प्रकार की स्वतंत्रता जो सभी बंधनों से मुक्त हो। नाउ यहाँ पर थोड़ा सा अलग मैं हटके कहना चाहूंगा कि जब हम किसी नागरिक समाज की बात करते हैं, तो अगर हम देखें तो क्या किसी भी समाज में परफेक्ट लिबर्टी का होना संभव है? हम लोग एक सभ्य मानव समाज में रह रहे हैं जहां पर एक ऐसा वातावरण उत्पन्न करने की बात है जहां पर मेरी स्वतंत्रता
किसी और की स्वतंत्रता में बाधा ना उत्पन्न कर सके, यानी कि एक्सक्लूसिव लिबर्टी या आप कह सकते हैं कि इंडिविजुअलिस्टिक लिबर्टी इन परफेक्ट सेंस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर सभी लोगों को हम पूर्ण स्वतंत्र छोड़ देंगे तो वो एक जंगली समाज हो जाएगा, एक ऐसा समाज हो जाएगा जहां पर किसी के ऊपर किसी का कोई बंधन नहीं। तो हम लोगों को एक जो स्वतंत्रता समाज के अंदर प्राप्त होनी चाहिए या जो प्राप्त होती है वो कोई जंगली स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि वो एक समाज की स्वतंत्रता है, और समाज की स्वतंत्रता में बंधन होना स्वाभाविक है। इसी संदर्भ में दो कंसेप्ट निकल कर सामने आए जो इसी संदर्भ में सामने आए, एक जिसको हम नकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं, इस पर भी कुछ विचारकों ने अपने विचार दिए, और दूसरा जिसको हम पॉजिटिव स्वतंत्रता कहते हैं या जिसको सकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। तो प्रजातांत्रिक समाज में जिस स्वतंत्रता की हम बात करते हैं वो पॉजिटिव लिबर्टी है, जिसका तात्पर्य है कि सकारात्मक स्वतंत्रता इस प्रकार की हो जहां पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हो, लोगों को समान अवसरों की प्राप्ति हो और हर व्यक्ति स्वतंत्रता का समानता के साथ उपभोग कर सके। दैट मीन्स द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी एंड कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। लिबर्टी इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज इक्वलिटी इन सोसाइटी एंड पीपल कैन एंजॉय लिबर्टी ओनली इन मोर और लेस इक्वल सोसाइटी। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे विद्वानों ने, आप देखेंगे इस पे अलग अलग अपने विचार दिए, अलग अलग इसमें डेफिनेशंस आई। यहाँ पर दो डेफिनेशंस मैंने ली हैं। एक GDH कोल की डेफिनेशन है, जो ये कहते हैं कि लिबर्टी इज अ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस विदाउट एक्सटर्नल हिंडरेंसेस हिज पर्सनैलिटी, कि वो अपने व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से एक्सप्रेस कर सके व्यक्ति, और कोई बाहरी उस पर बंधन ना हो। इस तरीके से उन्होंने उस स्वतंत्रता के कंसेप्ट को डिफाइन किया। पॉजिटिविस्टिक वे में, एक सकारात्मक रूप में, लास्की ने इसको डिफाइन किया, और लास्की कहते हैं कि लिबर्टी इज द एग्जिस्टेंस ऑफ दोज कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच नो वन कैन गिव इन जनरल बी एट हिज बेस्ट सेल्फ, यानी कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास तभी संभव है जब इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाएं हों जहां पर स्वतंत्रता हो, उसकी बिना एग्जिस्टेंस के एक व्यक्तित्व का पूर्ण विकास संभव नहीं है। इस प्रकार की स्वतंत्रताएं समाज में हो, विशेष रूप से प्रजातांत्रिक समाज में हो, इसकी चर्चा हम लोग अब आगे जाके करेंगे। लिबर्टी को लेके बहुत सारे सिद्धांत सामने आए, जिसकी चर्चा अभी मैं पहले कर रहा था, कि केवल आज के समय से नहीं बल्कि बहुत समय से हमारे जो राजनीतिक चिंतक हैं वो डिफरेंट थ्योरीज ऑफ लिबर्टी जिन्होंने दी और बताया कि किस तरीके से स्वतंत्रता को मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक माना गया। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एक कंसेप्ट है या जो थ्योरी है, दैट इज कंसेप्ट ऑफ नेचुरल लिबर्टी, प्राकृतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत। प्राकृतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत मूल रूप से ये कहता है कि व्यक्ति प्रकृति से स्वतंत्र है। समाज में जब वो आया और समाज में रहने लगा और जब समाज का क्रिएशन हुआ, सोसाइटीज बनी, तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगने लगे। तो बेसिकली समाज रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, नेचर से व्यक्ति स्वतंत्र है। और इसमें तीन विचारक जिनका मैंने यहाँ पर जिक्र किया है जो बहुत महत्वपूर्ण है और जिन्होंने इस तरीके के विचार दिए, वह है कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट थिंकर्स, या जिनको हम सामाजिक समझौतावादी विचारक कहते हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो। हॉब्स ने कहा कि रैशनली, उसने लॉजिकली अपने अपने विचारों को रखा कि स्वतंत्रता व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार है, और जब स्टेट ऑफ नेचर थी, स्टेट ऑफ नेचर का मतलब होता है कि जब एक राज्य के उत्पन्न होने से जो पूर्व की अवस्था थी उसमें परफेक्ट लिबर्टी थी, लेकिन धीरे धीरे जब लोग रहने लगे और समाज विकसित होने लगे तो वो जो पूर्ण स्वतंत्रता की अवस्था थी उस पर खतरा उत्पन्न होने लगा, और उस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, विशेष रूप से जीवन की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए राज्य का निर्माण किया गया। और किसी एक जिसका नाम वो लेवियाथन कहता है
एक राजा को अपने अधिकार इसी शर्त पर सौंपे गए कि वो व्यक्ति की के जीवन की सुरक्षा देगा और उसकी स्वतंत्रता, जो उसके जीवन जीने की स्वतंत्रता है, उसको वो कायम रखेगा। तो मूल रूप से हॉब्स का ये कहना था कि स्वतंत्रता व्यक्ति का एक प्राकृतिक अधिकार है जो उसको सतत रूप से मिलना चाहिए। इसी तरीके से जो दूसरा विचारक आए जॉन लॉक, जॉन लॉक ने भी ये बात कही कि तीन प्राकृतिक अधिकार होते हैं, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। तो उसने ये जो तीन फंडामेंटल राइट्स बताए, उसका एक जो मूल अधिकार है वो लिबर्टी का है, और इसी लिबर्टी को बनाए रखने के लिए, ये लिबर्टी बनी रहे, इसके लिए उसने राज्य की स्थापना की बात की, जिसमें उसने कहा कि दो प्रकार की कम्युनिटीज बनेंगी। पहले एक नागरिक समाज बनेगा, सिविल लिबर्टी बनेगी, सिविल कम्युनिटी बनेगी, और यही सिविल कम्युनिटी अपने से कुछ लोगों को राज्य चलाने का काम सौंपेगी, जिसको उसने पॉलिटिकल कम्युनिटी का नाम दिया। बट दिस पॉलिटिकल कम्युनिटी विल बी फुल्ली अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टू सिविल कम्युनिटी, नागरिक समाज के प्रति उत्तरदायी होगी। और ये जो नागरिक समाज है, ये समाज में रहने वाले सभी लोगों का एक मिला जुला समाज है। सॉवरेनिटी, राज्य की जो संप्रभुता है, वो इस सिविल कम्युनिटी के पास है। दैट मीन्स द लिबर्टी इज इंटैक्ट विद सिविल कम्युनिटी, एंड सिविल कम्युनिटी इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन, बट द सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी। सो एक डेमोक्रेटिक स्टेट की स्थापना की बात लॉक ने की, एक ऐसे डेमोक्रेटिक राज्य की स्थापना की बात की जिसमें राज्य को, राज्य के शासकों को चुनने की और वो जिस प्रकार से काम करेंगे उसके सारे जो बागडोर है, इसको हम कह सकते हैं कि लगाम, वो जो लगाम है वो लोगों के हाथों में रहेगी। इस प्रकार से जो बेसिक स्वतंत्रता है वो उनकी इंटैक्ट रहेगी। इसी कड़ी में जो तीसरे विचारक हैं, जिसको हम रूसो, जीन जॉक रूसो के नाम से जानते हैं, तो रूसो ने जो अपनी पुस्तक लिखी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें भी उन्होंने जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति के लिए बताया वो लिबर्टी का कंसेप्ट बताया। उन्होंने कहा कि लिबर्टी एक ऐसी स्वतंत्रता मनुष्य को सर्वाधिक प्रिय है। इट इज द फंडामेंटल राइट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स दैट इज लिबर्टी। उनका एक बहुत फेमस कोटेशन हम सब लोग जानते हैं, जो उन्होंने कोटेशन दिया, उन्होंने कहा कि मैन इज बॉर्न फ्री बट फाउंड एवरीवेयर इन चेन्स, कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन हर जगह वो जंजीरों से जकड़ा हुआ है। जैसे जैसे समाज विकसित हुआ, प्राकृतिक अवस्था से सामाजिक अवस्था में आया और लोग एक स्थान पर रहने लगे, वैसे वैसे रूसो का मानना था कि जो व्यक्ति की प्राकृतिक नैसर्गिक स्वतंत्रता है, जो नेचुरल लिबर्टी है, उस पर खतरा उत्पन्न हुआ, और उस के लिए उसने, लोगों ने मिलकर एक राज्य की स्थापना की बात सोची। लेकिन लोगों के मन में ये डर भी था कि अगर राज्य बन गया तो वो राज्य व्यक्तियों के की स्वतंत्रता को बाधित कर सकता है, वो स्वतंत्रता के ऊपर, लिबर्टी के ऊपर एक खतरा हो सकता है। और इसलिए उसने एक जनरल विल का कंसेप्ट दिया, इसको समान इच्छा का सिद्धांत कहा जाता है, एक जनरल विल का कंसेप्ट दिया, जिसमें उसने कहा कि जनरल विल एक ऐसी सामान्य इच्छा होगी जो लोगों की जो आइडियल विल है, जो आदर्श इच्छाएं हैं व्यक्ति के अंदर। उसने कहा कि दो तरीके की इच्छा होती है, एक आइडियल विल, एक रियल विल। आदर्श इच्छा व्यक्ति की गुड विल होती है, जो हमेशा अच्छा सोचती है, और रियल विल कभी कभी व्यवहारिक होती है, जो आइडियल विल से भिन्न हो सकती है। तो जब हम आइडियल विल के सम को लेते हैं, उसको उससे जनरल विल कहा, और उसने कहा कि यही जनरल विल शासन करेगी। तो इस प्रकार से उसने, जो व्यक्तियों की अपनी इच्छा है, तो इस प्रकार से उसने राज्य की स्थापना में स्वतंत्रता को प्रमुख स्थान प्रदान किया। कहने का मतलब यह है कि जो नेचुरल लिबर्टी का सिद्धांत है, प्राकृतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत है, वो यही कहता है कि व्यक्ति का प्राकृतिक नैसर्गिक अधिकार स्वतंत्रता है। समाज बनने के बाद भी इस प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, राज्य बनने के बाद भी इस प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि राज्य तो चले क्योंकि वो आवश्यक है, समाज तो रहे क्योंकि वो आवश्यक है, लेकिन व्यक्ति की स्वतंत्रता उसको मिले
ऑफ कोर्स ये स्वतंत्रता निर्बाध नहीं होगी, इस स्वतंत्रता पर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन जरूर हो। तो दिस वाज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल लिबर्टी। नाउ कमिंग फर्दर, जो दूसरे प्रकार की स्वतंत्रता जिसकी हम बात करते हैं वो सिविल लिबर्टी है, इसको हिंदी में हम कहेंगे नागरिक स्वतंत्रता का सिद्धांत। नागरिक स्वतंत्रता का सिद्धांत तब उत्पन्न हुआ जब समाज बन गए और कालांतर में राज्यों की स्थापना हो गई, कॉन्स्टिट्यूशंस बन गए, लॉज बन गए, रूल्स बन गए, और समाज को रेगुलेट करने के लिए, समाज को व्यवस्थित करने के लिए एक संचालन की व्यवस्था बन गई। जब एक संचालन और राज्य को चलाने के लिए एक व्यवस्था बन गई तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह आई कि हम लोगों को स्वतंत्रता किस प्रकार की दें। कोशिश यही की गई कानून बनाने वालों के माध्यम से, प्रजातांत्र, विशेष रूप से जो प्रजातांत्रिक राज्य हैं डेमोक्रेटिक स्टेट्स के अंदर, कि हम जो भी स्वतंत्रता दें वो कानून के दायरे में, जिससे कि हर व्यक्ति उस स्वतंत्रता का बराबरी से उपभोग कर सके। इसीलिए ये कहा गया कि सिविल लिबर्टी इज नॉट अनरेस्ट्रेन्ड, इट इज एंजॉयड ओनली अंडर सम रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय स्टेट्स एंड सोसाइटी। केवल जरूरी नहीं है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस ऐसी हो जो कानून या राज्य लगाए, बल्कि हम सब लोग जानते हैं कि सामाजिक मान्यताएं होती, जो सामाजिक एक समाज में रहने के नियम होते हैं, वही कालांतर में जब वो एक्सेप्ट हो जाते हैं, उनकी जब कॉमन और मास एक्सेप्टेंस हो जाती है, तो वो कानून और रूल का रूप ले लेते हैं। तो एक जो जो सिविल लिबर्टी का बेसिक कंसेप्ट है वो यही कहता है कि सिविल लिबर्टी एक ऐसी लिबर्टी है जो लोगों को मिले, समान रूप से मिले, लेकिन उसके पीछे सामाजिक मान्यता हो, उसके पीछे राज्य का आधार हो, उसके पीछे रूल्स एंड रेगुलेशंस हो। इसका सिंपल मतलब यह है कि वो अनरेस्ट्रेंड नहीं हो सकती, उसमें कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस कहीं होंगी जो एक सिविल सोसाइटी के लिए आवश्यक है। सिविल लिबर्टी के दो प्रमुख फीचर यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। पहला है स्टेट गारंटीड सिविल लिबर्टी, जहां पर संविधान और कानून हमारी लिबर्टी को गारंटी करता है। अगर हम भारत की बात करें तो हम देखते हैं कि जो हमारी लिबर्टी है वो हमारे फंडामेंटल, हम उसको भारत में एक फंडामेंटल राइट्स का दर्जा दिया गया। इफ यू सी द आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट ग्रांट्स सिक्स मेजर लिबर्टीज टू इंडिविजुअल्स, और इसके अलावा भी बहुत सारी लिबर्टीज की बात की गई। तो एक तो स्टेट गारंटी करता है, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है लोगों को स्वतंत्रता विभिन्न प्रकार की, चाहे वो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, चाहे वो घूमने फिरने की स्वतंत्रता हो, चाहे वो ऑक्यूपेशन की स्वतंत्रता हो, चाहे वो अलग अलग प्रकार की स्वतंत्रताएं हो, रहने की स्वतंत्रता हो। ये स्वतंत्रताएं जो हैं वो राज्य प्रदान करता है, लेकिन राज्य साथ ही साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाता है, और वो रिस्ट्रिक्शंस लगाने का एक लॉजिक है। जब अगला कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी, तो वो चीजें और आपको क्लियर होंगी, जहां पर लिबर्टी तभी संभव है जब इक्वलिटी एस्टैब्लिश्ड होगी। इसलिए एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाने का काम भी कानूनों के माध्यम से राज्य करता है। जैसे कि अगर मान लीजिए राज्य ने आपको एक स्वतंत्रता दी, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट और लिबर्टी टू एक्सप्रेस योर व्यूज, बट दैट लिबर्टी टू एक्सप्रेस योर व्यूज कैन नॉट बी अनरिस्ट्रेन्ड, यू कैन नॉट अब्यूज एनीवन, यू कैन नॉट यूज द लैंग्वेज विच इज नॉट गुड और एक्सेप्टेबल इन सोसाइटी। तो देर आर सर्टन रिस्ट्रिक्शंस, और अगर आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशंस हैं आपके पास जिनको आप एक्सप्रेस करेंगे जो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकती है, तो वो भी रिस्ट्रिक्टेड हैं। तो कोई भी सिविल लिबर्टी जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड या अनरेस्ट्रेंड नहीं होती है। तो ये इसका पहला है। दूसरा हम देखते हैं कि सिविल लिबर्टी आल्सो स्टैंड्स for the protection of rights and freedom from undue interferences। कि एक देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे की गई है कि नागरिक स्वतंत्रता हमारे अधिकारों की रक्षा तो करती ही करती है, साथ ही साथ इस प्रकार का भी
हमें सुरक्षा प्रदान करती है कि हमारे क्रियाकलापों में या हम जो भी कुछ समाज में जिस स्थिति में रह रहे हैं उसमें कोई अंडी इंटरफेरेंस ना करे। एक हस्तक्षेप, चाहे वो राज्य के माध्यम से हो, चाहे वो किसी अन्य संस्था के माध्यम से हो, कोई इस प्रकार का हस्तक्षेप ना हो जिससे कि हमारे व्यक्तित्व के विकास में या हमारे एक एक सिटीजन के रूप में, एक रेजिडेंट के रूप में जिस समाज में हम रह रहे हैं उसमें हमारा रहना मुश्किल हो। और इसके लिए दो तीन चीजें राज्य करता है। एक तो जिसकी चर्चा मैंने अभी आपसे की वो है आपका फंडामेंटल राइट्स, की फंडामेंटल राइट्स के माध्यम से इस प्रकार की बात की जाती है कि व्यक्तियों को पूर्ण रूप से उनके अधिकारों की रक्षा की जाए, जिसमें स्वतंत्रता उसका एक प्रमुख अंग है। दूसरा ये कि बहुत सारे ऐसे कमीशंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे एक्ट्स होते हैं जो बेसिक ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन की बात करते हैं, और ये केवल राज्य के स्तर पर नहीं होते, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होते हैं। इंटरनेशनल एजेंसी जैसे हम लोग जानते हैं यूएनओ में ह्यूमन राइट्स पर बहुत विशेष बल दिया गया है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स सबसे पहले वहीं से आया और उसी के बाद अलग अलग देशों ने जो है वो राइट्स के कंसेप्ट को अलग अलग फॉर्म में अपनाया। तो ये ह्यूमन राइट्स का जो कंसेप्ट है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और किसी भी समाज में जिसमें मानव अधिकारों का हनन होता है उसके प्रोटेक्शन के लिए ऐसी बहुत सारी एजेंसीज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती हैं जो व्यक्ति के मूल अधिकारों, मानव अधिकारों की रक्षा करती हैं, जिसमें लिबर्टी का अधिकार भी शामिल है। जहां पर भी व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित होगी वो ह्यूमन राइट का वायलेशन माना जाएगा और उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए व्यवस्थाएं दी गई। इसके बाद हम जानते हैं जो इन सब का जो एक शील्ड है, जो कवर है, वो हमारा जुडिशियल सिस्टम है। कहीं पर भी चाहे वो स्टेट किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित कर रहा हो, हम सब लोग जानते हैं रिट्स हैं, देयर आर सो मेनी रिट्स, हैबियस कॉर्पस की रिट्स हम लोग जानते हैं कि जहां पर किसी भी व्यक्ति को आप बिना किसी उचित कारण के गिरफ्तार नहीं कर सकते, उसको उसकी उसकी स्वतंत्रता को बाधित नहीं कर सकते, उसकी दैहिक स्वतंत्रता को बाधित नहीं कर सकते। इसके अलावा उसको अपने जीवन जीने का अधिकार है, आर्टिकल 21 वी ऑल नो वेरी मच। इसके अलावा और भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो हमें अनेक प्रकार की आर्थिक स्वतंत्रताओं के प्रोटेक्शन की बात करते हैं। तो इन सब के लिए अगर कहीं पर भी कोई भी हमारी किसी भी प्रकार की ऐसी स्वतंत्रता जो जायज है, जो एक्सेप्टेबल है, जो लॉजिकल है, जो रैशनल है, जो लीगल है, अगर वो कहीं पर बाधित हो रही है तो वी हैव ए सिस्टम विच इज कॉल्ड जुडिशियल सिस्टम, एक न्यायिक व्यवस्था है। यानी कि हम न्यायालय के माध्यम से, हम न्यायिक व्यवस्था के माध्यम से अपने अधिकारों की और अपने स्वतंत्रता को सुरक्षित कर सकते हैं। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ लिबर्टी विच वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज पोलिटिकल लिबर्टी। पोलिटिकल लिबर्टी का मतलब है विशेष रूप से प्रजातांत्रिक समाज के संदर्भ में या डेमोक्रेटिक स्टेट्स के कॉन्सेप्ट में। आज जैसा मैं पहले आपसे जिक्र कर रहा था कि वी आर लिविंग इन एन एरा ऑफ यूनिवर्सल डेमोक्रेटिक सिस्टम्स, यानी कि एक सार्वभौमिक रूप से प्रजातंत्र को एक सर्वमान्य मूल के रूप में अपनाया गया, यूनिवर्सल वैल्यू के रूप में एक्सेप्ट किया गया है। और हम ये मान के चलते हैं कि व्यक्ति को राजनीतिक प्रक्रिया में, किसी भी सिस्टम में, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, और पूर्ण ना भी हो तो एडिकेट स्वतंत्रता, कम से कम उसको इतनी स्वतंत्रता हो कि वो अपने विचारों को रख सके और उस शासन में भागीदारी करने का उसको अवसर प्राप्त हो। यही किसी डेमोक्रेसी का मूल आधार है। तो यही पॉलिटिकल लिबर्टी का कंसेप्ट है कि एक तो एडिकेट अपॉर्चुनिटीज फॉर यूजिंग देयर पॉलिटिकल राइट्स। पॉलिटिकल राइट्स की जब हम बात करते हैं तो अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने का, देश में जो प्रमुख इश्यूज हैं उनको एक्सप्रेस करने का, चुनाव में भागीदारी करने का, शासन और सत्ता में भागीदारी करने का, अपने वोटिंग राइट्स को यूज करने का, बिना किसी दबाव के अपनी अपने अपने अधिकारों के उपभोग करने का, ये सब उसके पॉलिटिकल राइट्स हैं। तो शासन की ये जिम्मेदारी है, किसी भी प्रजातांत्रिक शासन की, वो इस प्रकार के अवसर उत्पन्न करे जहां पर व्यक्ति अपने पॉलिटिकल राइट्स को यूज कर सके। सेकेंड थिंग जो भी डिस्कस की,
फ्रीडम ऑफ पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल प्रोसेसेस, जो राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं, राइट फ्रॉम ग्रास रूट टू नेशनल लेवल, चाहे वो पंचायत का इलेक्शन हो, चाहे वो गांव का इलेक्शन हो, चाहे वो ब्लॉक का इलेक्शन हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इलेक्शन हो, किसी भी स्थान पर जहां पर भी कोई प्रजातांत्रिक संस्थाएं हैं उसमें उसको भागीदारी करने का, पार्टिसिपेशन करने का अधिकार हो, उसको अपने संगठन बनाने का अधिकार हो, उसको अपनी बात रखने का अधिकार हो, ये सब चीजें पॉलिटिकल राइट्स का पार्ट होती हैं। सच ए लिबर्टी इज पॉसिबल ओनली इन डेमोक्रेसी, जैसा हम लोग लगातार ये बात कह रहे हैं कि प्रजातंत्र में ही इस प्रकार की स्वतंत्रताएं होती हैं और होनी चाहिए। ऐसे भी कुछ देश हैं जो अपने आप को प्रजातांत्रिक तो कहते हैं, खासतौर से जो कम्युनिस्ट डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं, लेकिन व्यक्ति को स्वतंत्रताएं, विशेष रूप से जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, जो पॉलिटिकल लिबर्टीज हैं, वो नहीं मिलती। तो ऐसी डेमोक्रेसी एक स्वस्थ डेमोक्रेसी नहीं है, एक हेल्दी डेमोक्रेटिक सिस्टम्स नहीं है। जो कहने को तो डेमोक्रेटिक है लेकिन जो उनके पॉलिटिकल सिस्टम का ऑपरेशन है वो नॉन डेमोक्रेटिक है। तो ये पॉलिटिकल लिबर्टी के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपसे डिस्कस किए। नाउ जब हम समाज और राज्य से हटकर जब हम व्यक्तिगत स्तर पर आते हैं तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लिबर्टी के आए हैं, जिसको हम इंडिविजुअल लिबर्टी या पर्सनल लिबर्टी की का नाम देते हैं, कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणा क्या है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणा यही है बेसिकली कि हम जो चाहें, जो हमारी इच्छा हो वो हम कर सकें। दैट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल और पर्सनल लिबर्टी, दैट वी शुड हैव द फ्रीडम टू डू वॉट एवर वी लाइक टू। बट दिस इज वन नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी। हम अपनी इच्छा से ऐसे काम नहीं कर सकते जहां पर किसी दूसरे की इच्छा या दूसरे के इंटरेस्ट क्लैश करें। तो ये जो अभी थोड़ी देर पहले मैं नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी के कंसेप्ट की बात कर रहा था, वो इंडिविजुअल लिबर्टी के कंसेप्ट पर बहुत अधिक लागू होता है कि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत लिबर्टी की सीमा क्या हो। तो वो सीमा यही है कि जब तक आपके कार्यों से किसी और व्यक्ति को कोई नुकसान ना पहुंच रहा हो, उस सीमा तक व्यक्तिगत लिबर्टी एक्सेप्टेबल होती है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है जो जॉन स्टुअर्ट मिल का है, जिन्होंने लिबर्टी पे बहुत काम किया, और जॉन स्टुअर्ट मिल ने एक किताब लिखी थी, बहुत फेमस बुक है, एसेज ऑन लिबर्टी। इसमें उन्होंने दो प्रकार के एक्शंस की बात, उन्होंने कहा देखिए कुछ एक्शंस तो ऐसे होते हैं, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस होते हैं। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस का मतलब यह है कि वो एक्शंस जिनसे हम स्वयं संबंधित हैं, जो तो किसी दूसरे से संबंधित नहीं। और कुछ हमारे एक्शंस ऐसे होते हैं जो दूसरों से संबंधित होते हैं, और जिसको उन्होंने कहा अदर रिगार्डिंग एक्शंस। तो यहां पर जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा कि एज फार एज सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस आर कंसर्न, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या किस प्रकार की कला की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, जब तक वो किसी दूसरे के साथ कुछ इंटरफेयर नहीं कर रहा है, वो उस प्रकार की पूर्ण स्वतंत्रता व्यक्ति को मिलनी चाहिए। और जैसे ही दूसरे से रिगार्डिंग एक्शंस की बात हम करते हैं कि वो स्वतंत्रता जो दूसरे को हार्म कर रही है, वहां पर उस पर रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। तो ही सेज दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्शंस, सेल्फ रिगार्डिंग, अदर रिगार्डिंग। पीपल शुड बी ग्रांटेड फ्रीडम as far as self-regarding actions are concerned. He argued that if each person was free to make his or her own choices, it would maximize happiness in society. अगर कोई व्यक्ति self-regarding actions को maximize कर ले, तो उस समाज में एक happiness की, एक goodness की feeling ज़्यादा होगी. So the focus should be to maximize the liberty on self-regarding actions. That was the basic concept of John Stuart Mill. जॉन स्टुअर्ट मिल के पुत्र थे जेम्स मिल, जो अपने फादर की अपेक्षा अधिक पॉजिटिव लिबर्टी के कंसेप्ट के चैंपियन थे, जिन्होंने कहा कि एक रिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम्स लोगों को मिलनी चाहिए और इक्वलिटी को ध्यान में रखकर ही लोगों को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। इसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण
जो स्वतंत्रता का आयाम है, डायमेंशन है, दैट इज इकोनॉमिक लिबर्टी। इस पर बहुत डिबेट्स हुई हैं, इस पर बहुत चर्चाएं हुई हैं कि व्यक्ति को कितनी आर्थिक स्वतंत्रता मिले। आर्थिक स्वतंत्रता का तात्पर्य यही है कि उसको कार्य करने के लिए किस प्रकार की स्वतंत्रताएं हों। यहाँ पर दो प्रकार के, इनफैक्ट तीन प्रकार के कंसेप्ट्स, थ्योरीज और आइडियोलॉजी सामने आई। एक आइडियोलॉजी जिसको हम कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी या इंडिविजुअलिस्टिक आइडियोलॉजी कहते हैं, जो ये कहते हैं कि जितनी व्यक्ति के अंदर कैपेबिलिटी है, जितनी व्यक्ति के अंदर योग्यता है, उतनी उसको आर्थिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अगर उसमें कैपेबिलिटी ज़्यादा है तो उसको अधिक आर्थिक स्वतंत्रता होगी और वो अधिक आर्थिक अर्जन कर पाएगा। जबकि दूसरा कंसेप्ट जो, जिसको हम सोशलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक लिबर्टी कहते हैं, जो ये कहता है कि नहीं, समाज में सीमित मात्रा में संसाधन है और उन संसाधनों का, रिसोर्सेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्विटेबल होना चाहिए। लोगों को उसकी योग्यता के अनुसार तो मिले, लेकिन उसकी जरूरत के हिसाब से भी, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू ही नीड टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी। यानी कि देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द एबिलिटी टू अर्न एंड द नीड ऑफ द मनी। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कुछ सामाजिक कारणों से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिस्ट्रिक्टेड हैं, लेकिन उनकी नीड्स हैं, तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो ये दो प्रकार के, और तीसरा ये कहता है कि जो, जिसको हम मिक्सड इकोनॉमी कहते हैं, कि दोनों प्रकार की चीजें होनी चाहिए। एक इकोनॉमिक जस्टिस का कंसेप्ट होना चाहिए, जहां पर हम इस प्रकार का वातावरण दे सकें कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो लोग एक इसको हम पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं वो भी हो, लेकिन साथ साथ में समाजवादी व्यवस्था, और दोनों मिलाकर इसको हम एक वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट कहते हैं, एक इस प्रकार पे जहां पर सब लोगों का कल्याण हो सके आर्थिक रूप से, उस प्रकार की व्यवस्था हो। इसमें एडम स्मिथ का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एडम स्मिथ ने अपनी किताब लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशंस, और उस वेल्थ ऑफ नेशंस में उन्होंने जो आप कह सकते हैं फुल इकोनॉमिक लिबर्टी की बात की, जो उन्होंने कहा कि फ्री ट्रेड पॉलिसी। फ्री ट्रेड पॉलिसी का मतलब ये है कि व्यक्ति को अपनी व्यापारिक और आर्थिक गतिविधियों को करने की पूर्ण स्वतंत्रता हो। एडम स्मिथ के कंसेप्ट को वेस्टर्न कंट्रीज में अपनाने की कोशिश भी की गई, लेकिन मॉडर्न जो स्टेट्स हैं, डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं, वो फ्री ट्रेड पॉलिसी को पूर्ण रूप से अपनाने के पक्ष में नहीं है, और हर कंट्री के अंदर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे, चाहे वो टैक्सेशन की फॉर्म्स में हो, चाहे वो अलग प्रकार से जो इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस हो, वो दी गई हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आर्थिक जो स्वतंत्रता है उस पर भी बहुत सारे अलग अलग विचार हैं, लेकिन बेसिकली आर्थिक स्वतंत्रता का तात्पर्य यही है कि किसी भी समाज में गरीबी कम से कम हो, अनएम्प्लॉयमेंट कम से कम हो, लोगों की बेसिक नीड्स, फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर जिसे हम कहते हैं, वो पूरा करने के लिए ऐसी समुचित व्यवस्थाएं राज्य के अंदर हों, और लोगों को अपनी आर्थिक गतिविधियां पूरी करने के लिए पर्याप्त उचित अवसर प्रदान हों। और ये जो इकोनॉमिक लिबर्टीज हैं या जो इकोनॉमिक राइट्स हैं, ये कानूनों के माध्यम से प्रोटेक्ट किए जाते हैं। तो इस तरह से जो एक पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी है, इकोनॉमिक लिबर्टी है, उसको ज्यादा महत्व स्थान प्रदान किया गया है, बनस्पत के कि जो फुल इकोनॉमिक लिबर्टी जो एडम स्मिथ का कंसेप्ट था, उसको आज के समय में उतना एक्सेप्टेबल नहीं किया गया है, पर्टिकुलरली डेमोक्रेटिक कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में। एक और आयाम जो स्वतंत्रता का सामने आया, उसको हम कहते हैं नेशनल लिबर्टी। नेशनल लिबर्टी का मतलब यह है कि हर राज्य को, हर देश को उसकी अपनी संप्रभुता प्राप्त होनी चाहिए। इट इज नथिंग बट द इंडिपेंडेंस ऑफ द नेशन। और जिस देश में, जो देश एक राष्ट्र है, जहाँ पर कुछ लोग हैं जो एक, जो बेसिक स्टेट्स की जो फीचर्स हैं उनको पूरा करते हैं, उनके तत्वों को पूरा करते हैं, उनको सॉवरेन स्टेटस मिलना चाहिए,
और उनको नेशनल लिबर्टी मिलनी चाहिए। आज जब से ये ग्लोबलाइजेशन की जब हम बात करते हैं, तो उस ग्लोबलाइजेशन में उस परफेक्ट नेशनल लिबर्टी, या जो हम कह सकते हैं कि जो एक बाउंड्री बेस्ड जो नेशनल लिबर्टी की बात है, आज हम लोग उससे बाहर निकल चुके हैं। इस ग्लोबलाइज्ड एरा में पॉलिटिकली तो कोई देश सॉवरेन हो सकता है, बट कल्चरली और इकोनॉमिकली वो उसकी उसकी बाउंड्रीज उसी नेशन या उसी स्टेट्स के अंदर लिमिट हो जाएं, वो संभव नहीं है। तो ये ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक मोर ग्लोबल सोसाइटी की बात करता है, मूवमेंट की बात करता है, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करता है। तो आज नेशनल लिबर्टी के कंसेप्ट को रीडिफाइन करने की आवश्यकता है, यानी कि जो पॉलिटिकली कोई देश सॉवरेन हो सकता है, बट कल्चरली और इकोनॉमिकली हम लोग ग्लोबलाइज्ड एरा में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर एक ग्लोबल विलेज होने की बात हम लोग करते हैं। एक और प्रकार की स्वतंत्रता जो आजकल बहुत चर्चा में है, वो है रिलीजियस लिबर्टी। व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, अपनी धार्मिक गतिविधियों को चलाने के लिए, संचालन करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, ऐसी एक लॉजिकल मान्यता है। लेकिन इसमें जब हम पॉलिटिकल दृष्टिकोण से या राजनीतिक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो दो प्रकार के हमको स्टेट्स दिखाई देते हैं, दो प्रकार के राज्य दिखाई देते हैं। एक जिसको हम धर्मनिरपेक्ष राज्य सेकुलर स्टेट्स कहते हैं, और दूसरे थियोक्रेटिक या धर्म पर आधारित राज्य थियोक्रेटिक स्टेट्स कहते हैं। रिलीजियस लिबर्टी व्यक्ति को होनी चाहिए, डेमोक्रेसी की ये डिमांड है, लेकिन कहीं कहीं स्टेट स्पॉन्सर्ड रिलीजन्स भी हैं। जैसे ये डेटा जो आप स्लाइड्स में देख रहे हैं कि इस समय विश्व में 96 कंट्रीज ऐसी हैं, 96 कंट्रीज जो धर्म निरपेक्ष हैं, यानी कि जहां पर स्टेट प्रोटेक्टेड कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, जिसको हम कहते हैं सेकुलर स्टेट्स। ऐसे यूरोप में 33 हैं, अफ्रीका में 27 हैं। कुछ प्रमुख जो सेकुलर स्टेट्स हैं उनके नाम देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इंडिया है, यूनाइटेड स्टेट्स है, फ्रांस है, मैक्सिको है, साउथ कोरिया है, जहाँ पर सेकुलर सिस्टम्स हैं, यानी कि जहाँ पर राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। इसके अलावा कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो थियोक्रेटिक स्टेट्स हैं, पाकिस्तान का नाम आता है, जहाँ पर ज़्यादातर इस्लामिक कंट्रीज जो हैं वो आपको थियोक्रेटिक, उनका नाम ही है इस्लामिक कंट्रीज, जहाँ पर इस्लाम को राज्य का धर्म घोषित किया गया है। भूटान है, नेपाल है, जहाँ पर जो है जो नॉन सेकुलर थियोक्रेटिक स्टेट्स है, और इसी श्रेणी में इंग्लैंड भी आता है जो नॉन सेकुलर स्टेट है, थियोक्रेटिक स्टेट है, और यहाँ पर क्रिश्चियनिटी को एक स्टेट रिलीजन का दर्जा दिया गया है। तो ये रिलीजियस लिबर्टी की बात है, लेकिन आज के एक सभ्य समाज में यही माना जाता है कि रिलीजन व्यक्ति का व्यक्तिगत आस्पेक्ट होना चाहिए, और व्यक्ति कौन सा रिलीजन अपनाता है ये उसकी अपनी मान्यताओं पर आधारित होना चाहिए। राज्य सबको प्रोटेक्ट करे, लेकिन राज्य का धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप कम होना चाहिए। इसी तरह से एक और कंसेप्ट है जिसको हम मॉरल लिबर्टी का कंसेप्ट कहते हैं। इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति स्वयं का दास हो सकता है, इसको सेल्फ स्लेवरी कहते हैं, दैट मींस वो मेंटली फ्री नहीं है। तो व्यक्ति जब अपनी अंतरात्मा की आवाज, जिसको हम अंतरात्मा की आवाज कहते हैं, जब उससे काम करेगा, तब हम कहेंगे कि दैट पर्सन इज एंजॉइंग मॉरल लिबर्टी। सो मॉरल लिबर्टी इज टू एक्ट अकॉर्डिंग टू वंस ओन कॉन्शियंस, जो धीरे धीरे जब हमारा स्वयं है, जो हमारा सेल्फ है, जब वो मॉरली परफेक्ट होता है, जब वो जब उसका उत्थान होता है हमारी आत्मा का, तब हम आत्मा की आवाज से काम करते हैं। तो ये एक एक ज्यादा फिलोसॉफिकल कंसेप्ट है जो कि मॉरल लिबर्टी का कंसेप्ट है। नाउ किसी भी समाज में या किसी भी देश में ये सब डिफरेंट डायमेंशंस जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किए, डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ लिबर्टी जो हम लोगों ने अभी
भी यहाँ पर डिस्कस किए, उनको कैसे सेफ गार्ड किया जा सकता है, कैसे उनकी रक्षा की जा सकती है। तो इसके लिए कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर दी हुई हैं, जिनके माध्यम से हम किसी भी राज्य या समाज में स्वतंत्रता की रक्षा कर सकते हैं। इससे पहला है कि एक इस तरह का वातावरण उत्पन्न करें, एक इस प्रकार का समाज में संस्कृति उत्पन्न करें जहां पर लोगों में एक लव फॉर लिबर्टी हो, स्वतंत्रता को वो चाहें, लोगों के अंदर स्वतः ये इच्छा पैदा हो कि हम स्वतंत्र हों और स्वतंत्रता हमको अधिकार के रूप में प्राप्त हो। दूसरी बात की गई है एटर्नल विजिलेंस, कमिटमेंट ऑफ द पीपल टू डिफेंड देयर लिबर्टी एंड फुल अलर्टनेस अगेंस्ट एनी एनक्रोचमेंट ऑन देयर लिबर्टी। ये एक आप कह सकते हैं कि एजुकेटेड और अवेयर सोसाइटी की प्राइमरी आवश्यकता है कि वो लगातार जागरूक रहे अपने अधिकारों के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए, और जहां पर भी, चाहे वो राज्य के माध्यम से, चाहे किसी अन्य संस्था के माध्यम से, उसको ऐसा लगता है कि कुछ कार्यों से उसकी स्वतंत्रता पर खतरा पैदा हो रहा है, उसकी स्वतंत्रता बाधित हो रही है, तो वो उसके लिए लगातार प्रयास करे और उसके लिए संघर्ष करे। ग्रांट ऑफ इक्वल राइट्स टू ऑल, अभी हम लोगों ने बात की कि स्वतंत्रता तभी संभव है जब समान रूप से रूल ऑफ लॉ होगा, कानून का शासन होगा और लोगों को समान अवसर प्राप्त होंगे अपनी स्वतंत्रता को एंजॉय करने के। डेमोक्रेटिक सिस्टम्स इसके लिए असेंशियल हैं। नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम में हमेशा स्वतंत्रता खतरे में रहती है, इनफैक्ट लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती ही नहीं है, इसलिए स्वतंत्रता के लिए अत्यंत प्राइमरी रिक्वायरमेंट, प्रायर रिक्वायरमेंट है कि पॉलिटिकली एक डेमोक्रेटिक सिस्टम अडॉप्ट हो। नॉन डेमोक्रेटिक स्टेट्स के अंदर, नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम्स के अंदर व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं प्राप्त हो सकती। ये संविधान रूल ऑफ लॉ की हम लोगों ने अभी बात की कि रूल ऑफ लॉ आवश्यक है और वो जो रूल ऑफ लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से कोडिफाइड हो, कानून हो, सब लोगों के लिए समान कानून हो, इनफैक्ट यूनिवर्सल सिविल कोड हो, लोगों को समान रूप से कानून हो, और जो हमारा स्वतंत्रता है, जैसे जैसे भारत के अंदर है कि स्वतंत्रता को मौलिक अधिकारों का दर्जा दिया गया है, तो उसी प्रकार से स्वतंत्रता को फंडामेंटल राइट्स के माध्यम से प्रोटेक्ट किया जाए और इन सब की रक्षा के लिए एक न्यायालय की व्यवस्था हो, एक इंडिपेंडेंट एंड सुप्रीम जुडिशरी हो जो हमारी लिबर्टी के लिए सेफगार्ड का काम करे, और कहीं पर भी जहां पर स्वतंत्रता को खतरा हो वहां पर वो सामने आए। एक और बात जो की गई है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स हो, तीनों जो बॉडीज होती हैं गवर्नमेंट की, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जब तीनों वो एक साथ मिल जाएंगी, सत्ता का कंसंट्रेशन हो जाएगा, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली एक ऑटोक्रेटिक और डिक्टेटोरियल स्टेट्स बन जाए। तो एक ऑटोक्रेटिक और डिक्टेटोरियल स्टेट से बचने के लिए इस बात की बहुत ज़रूरत है कि जो जुडिशरी, जो जो हमारे गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं उनमें सेपरेशन हो, क्लियर कट डिवीज़न ऑफ पावर्स हो और सब अपना अपना काम करें, समाज में सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस हो, जो लोग कमज़ोर हैं, जस्टिस का मतलब यहाँ पर यही है कि जो लोग समाज में डिप्राइव्ड वर्ग हैं उनको भी अलग प्रोटेक्टिव मेथड्स के माध्यम से उनको इस प्रकार के अवसर, अधिक अवसर प्रदान किए जाएं कि वो अपने अधिकारों को सुरक्षित कर सकें और स्वतंत्रता का भरपूर आनंद कर सकें। इसमें जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो सामाजिक समूह हैं, जो सोशल ग्रुप्स हैं, सिविल सोसाइटीज़ हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य तो अपना काम करेगा ही, लेकिन राज्य के अलावा भी वो सब लोग जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनको भी इसमें आगे बढ़कर एक इस प्रकार के समाज की स्थापना करनी चाहिए जिसमें स्वतंत्रता व्यक्तियों की पूर्ण रूप से संभव हो सके और व्यक्ति उस स्वतंत्र समान समाज में एक सम्मानपूर्वक रह सके। थैंक यू वेरी मच, होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। सो दिस वॉज माई लेक्चर ऑन लिबर्टी, होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप लोग उन क्वेश्चंस को भेज सकते हैं और हम लोग उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।